अगर आप लोग ने भी बहुत सारे एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और उसका रिपेमेंट आप लोग नहीं करते हैं, तो आपके साथ यहाँ पे ये लोग क्या क्या करते हैं, इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग के बहुत सारे सवाल होते हैं कि एनबीएफसी एप्लीकेशन होती क्या है। तो एनबीएफसी एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जिनको आरबीआई की गाइडलाइन पे चलना होता है और उनको उन लोग को आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिला रहता है। और ये एप्लीकेशन जो होता है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकती है, बट फिर भी बहुत कुछ केस यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलने वाले होते हैं जिसमें लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या सच्चाई है, क्या है, पूरे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग इनका ड्यू डेट पर रिपेमेंट नहीं करते हैं तो ये सबसे पहले आपको कॉल करना स्टार्ट करते हैं। कॉल करके डराना धमकाना या फिर आप लोग पे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोग उनका रिपेमेंट कर दें। अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं करते हैं तो ये लोग कॉल पे कॉल आप लोग को करते जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, इसके लिए आप लोग को कॉल एक कॉल रिसीव करना होगा। कॉल रिसीव करके सिंपली उन लोग को बताना होगा क्या आपका प्रॉब्लम है, क्यों रिपेमेंट नहीं कर पा रहे और कितना वक्त आपको चाहिए। कॉल जब भी आप कॉल उठाए तो आप लोग को कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रखना है, क्योंकि एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आप लोग ने उनको बताया था प्रॉब्लम और आपको कितना वक्त चाहिए था, ये आप लोग ने रिक्वेस्ट भी किया था। बस एक कॉल का रिस्पांस करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। जितना रिस्पांस कीजिएगा उतना आप लोग मेंटली हैरास हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा आप लोग को कॉल रिसीव नहीं करना। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये लोग अगर होता है मान लीजिए ज़्यादा होता है तो कॉन्टैक्ट पे कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप लोग अगर कॉन्टैक्ट पे कॉल कर रहे हैं तो आप लोग उसको कैसे उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को उनके सर्वर से हटाएं। तो आप जाकर के हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वो स्टेप फॉलो कीजिएगा, कॉन्टैक्ट कॉल आना बंद हो जाएगा। तो चैनल पे जाके जरूर देखिएगा कैसे आप लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट को डिलीट करें उनके सर्वर से। दूसरा बात होगी, अब तीसरी बात होती है जो आप लोग फिर कॉल लोग रिसीव करना नहीं आप नहीं करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये लोग लीगल नोटिस भेजना स्टार्ट करते हैं। लीगल नोटिस का क्या सच्चाई है, लीगल नोटिस वो है, ये सब लीगल नोटिस वगैरह कुछ नहीं होती, ये सब एक आपको डराने के लिए एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें लिखा होगा कि सेक्शन वगैरह आपको दिखा देगा, उस पर बोला जाएगा कि आपके ऊपर केस किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब सिर्फ एक आपको डराने के लिए होता है, नोटिस भेजा जाता है, कोई भी कोर्ट की तरफ से ये नोटिस नहीं आती है। अब ये नोटिस आएगा तो आपको क्या करना है, नोटिस आए तो आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना, उसको जैसे आए वैसे ही रखे रहना, और या फिर फाड़ना हो तो फाड़ दीजिए, फेंकना हो तो फेंक दीजिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है यहाँ पे, और यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे तीसरी बात होती है कि रिकवरी एजेंट कब आएंगे और कहाँ आएंगे और कब मतलब क्या करते हैं वो लोग। तो रिकवरी एजेंट की बात हुई, तो रिकवरी एजेंट अगर आप लोग का लोन जो ड्यू हो जाता है वो मोर देन 2 मंथ्स हो जाता है, 2 महीने से ज़्यादा हो जाता है, तब आप लोग के घर हो सकता है कि रिकवरी एजेंट आना स्टार्ट हो जाए। तो स्टार्ट कैसे मतलब फिर कैसे उन लोग रिकवरी एजेंट आते हैं, तो उसका कैसे आप लोग को बचना है उन लोग से। जब भी रिकवरी एजेंट आपके घर आए तो आप लोग को उनसे दो चीज़ मांगना, पहले तो नॉर्मल बात करना है और बताना है उन लोग को कि आपका क्या प्रॉब्लम है और आप लोग अभी रिपेमेंट क्यों नहीं कर पाते, और वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रखना है आपको। ये चीज़ बताने के बाद अगर फिर भी वो लोग आपके ऊपर फोर्स करे या गलत तरीके से बात करे तो आप लोग को दो चीज़ उन लोग से मांगना है। पहला आईडी प्रूफ मांगना है उनका कि आप किस कंपनी से आए हैं और क्या आपका आईडी प्रूफ है वो दिखाइए, और दूसरा आप लोग को उनसे ऑथराइज्ड लेटर मांगना है। ये दोनों देने में वो असक्षम होंगे, 100% असक्षम होंगे, तो इसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, उनको भगा देना है। अगर ये दो चीज़ दिखाते हैं तो उन लोग से रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट करने के बाद आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि आरबीआई की गाइडलाइंस भी थोड़ा आप लोग देख लिया कीजिए कि आप लोग को कोई भी लोन रिकवरी करने के लिए आप लोग को घर नहीं आना है, ऐसा आप लोग को उनको बता देना है। बाकी आप लोग को बोलना है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे मैं रिपेमेंट कर दूंगा, बाकी इससे ज़्यादा आप लोग को उनसे भी बात करने की जरूरत नहीं है। अब बात होती है, बहुत कॉल आने लगते हैं आपको, कभी पुलिस से कॉल आने लगते हैं, कभी आपको वकील से कॉल आने लगते हैं, कभी हाई कोर्ट के जज से कॉल आने लगते हैं। तो ये इसकी क्या सच्चाई है, ये कोई भी जज, पुलिस या फिर एडवोकेट नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी एजेंट
आपको बहुत सारे तरीके से देखने को मिलेंगे, कॉल पे कांटेक्ट करके बोल करते रहेंगे, आपको बोलेंगे कि इस थाने से बोल रहे हो, उस थाने से बोल रहे हैं, पर ये सब हमेशा फर्जी होता है। ये सब कोई भी पुलिस या एडवोकेट या फिर आपको जज बन करके कोई कॉल नहीं करता है, आपको जज कॉल नहीं करता है। तो इसमें आप लोग कुछ नहीं, इसको इसका रिस्पॉन्स दे या ना दे आपको कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर चांस आप रखिए रिस्पॉन्स ना देने का, क्योंकि जितना इन लोग से बात कीजिएगा उतना आप लोग फंसते जाइएगा। अब लास्ट चांस होता है, लास्ट बात आती है कि आप लोग के ऊपर केस वगैरह की धमकी करते हैं, केस कर देंगे, जेल कर देंगे। तो केस जेल कोई कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी लीगल एक्शन वगैरह, कोई भी, मैंने स्टार्टिंग में बोला लीगल एक्शन वगैरह आपके ऊपर नहीं लिया जाएगा। कोई टेंशन आप लोग यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोर्ट केस वगैरह आपके ऊपर नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। बशर्ते आप लोग ने लोन लिया हो और फ्रॉड डॉक्यूमेंट देकर के ना लिया हो, तब आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप जेन्यून डिफॉल्टर है, जेन्यून रीजन है, आप लोग ने डिफॉल्ट किया है लोन, तो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होने वाला है। तो इसमें आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम हमारा चैनल है वहां जाकर के आप लोग डिस्कस कर सकते हैं और हम लोग को बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।